करंट वाइस चांसलर हमारे यहाँ आए हैं, तब से हमने ये देखा है और इसके एविडेंसेस भी हैं कि इन्होंने लगातार जेएनयू एक्ट, जो कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाया गया था, उसका उल्लंघन किया है। जो 31 जुलाई 2018 का जेएनयूटा का जो प्रोटेस्ट कॉल था, वो भी इसी के विरोध में था कि आप जेएनयू एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। आप जेएनयू जो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी बनी है, इतने कंट्रीब्यूशन रहे हैं उसमें टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, आप उनकी बातों को बिल्कुल सुन नहीं पा रहे हैं। तो जेएनयू एक्ट को बचाने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट कॉल दिया था। और देखिए, ये जो चार्जशीट दिया गया है 48 शिक्षकों को, इसमें हमारे वाइस चांसलर साहब ने CCS कॉन्डक्ट रूल्स को इन्वोक किया है। अब आप ये जानते हैं कि CCS कॉन्डक्ट रूल्स पिछले साल 2018 में एक बार फिर इसी तरह की कोशिश की गई थी, जिसका कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था। जो CCS कॉन्डक्ट रूल्स हैं, उसी के रूल के हिसाब से यूनिवर्सिटी टीचर्स किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट में डिफाइंड नहीं है। अब वो क्या है, आप रूल 1 और रूल 2 को पढ़ के देख लीजिए CCS कॉन्डक्ट रूल्स में, उसमें आपको दिखेगा कि उनके अपने डेफिनेशन के हिसाब से टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट में काउंट नहीं होते हैं। अब उसके क्यों, आप ये भी देखिए, आपकी CCS कॉन्डक्ट रूल्स 1964 से इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। अब अगर UGC को ये कहना होता कि यूनिवर्सिटी टीचर CCS कॉन्डक्ट रूल्स के तहत आते हैं, तो ये 1964 से लेके आज तक में कह दिए होते। लेकिन पहली बार UGC ने ये पहल की 2018 में, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास में, और उसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया। शिक्षकों ने बताने की कोशिश की कि हम कैसे गवर्नमेंट सर्वेंट में नहीं आते हैं, क्योंकि आप उसके रूल्स को अगर पढ़ के देखेंगे, तो चाहे वो रूल 5 हो, जिसमें कहता है कि रूल 5 के हिसाब से कोई भी जो शिक्षक हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। आपको पता है कि शिक्षक अगर राजनीति में कंट्रीब्यूट ना करे, तो राजनीति की अपनी परिभाषा ही अलग हो जाएगी। आपको पता है कि अभी भी लोकसभा और राज्यसभा में कई ऐसे सदस्य हैं जो शिक्षक हैं, और शिक्षक होते हुए भी वहाँ पर वो गए हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अभी पिछले सरकार ने डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी की नीति अपनाई थी, तो डिमोनेटाइजेशन के फायदे और नुकसान, अगर फायदे और नुकसान दोनों चीज़ों के ऊपर अगर शिक्षक रिसर्च ना करे, और ख़ास करके उसके कई आयाम हैं जो कि कई बार गवर्नमेंट सर्वेंट्स या गवर्नमेंट में रहते हुए आप उसको नहीं देख पाते हैं। हम क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं, इसीलिए शिक्षक जो हैं और जो छात्र हैं जो उनके साथ रिसर्च करते हैं, वो नई नई बातों को, नए नए आयाम को वो समझ पाते हैं। अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन पार्टीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक खास पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करता है। उसके अलावा आप रूल्स को पढ़ेंगे तो ये बताता है CCS कॉन्ट्रैक्ट रूल्स को, आप आर्टिकल्स पब्लिश नहीं कर सकते, आप रिसर्च जो कर रहे हैं उसकी आउटपुट नहीं पब्लिश कर सकते। तो अगर यूनिवर्सिटी टीचर्स ये सब नहीं करे, तो वो करेगा क्या?